गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू एक्सरसाइज ऑफ 13.6 ऑफ अ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एंड इन दिस एक्सरसाइज गिवन अ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज का वॉल्यूम दैट मीन्स क्या होता है कि विच हैव अ ऑक्यूपाई अ स्पेस इन अ फिगर, ठीक है। तो अगर ये हम सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर में कितनी जगह है, स्पेस कितना है, वो चीज़ जो है आपको वॉल्यूम बताता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमने कितना जो है इसका वॉल्यूम होगा तो उसको बताएंगे। तो ये पेट फार्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, या किसी भी फिगर का वॉल्यूम हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ, हम फिलहाल सिलेंडर ही लिख रहे हैं, ठीक है। ए जो होता है एरिया ऑफ बेस, बेस इनटू हाइट, क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हमारा एरिया ऑफ बेस कैसा है, एरिया ऑफ ये जो बेस है वो कैसा है, तो वो सर्कुलर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्किल इनटू हाइट। ओके, एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है, तो अगर उसका रेडियस आर है तो वो पाई आर स्क्वायर, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दिया है, दैट इज एच, तो यू मल्टीप्लाइड बाई एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो दिस इज योर फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल बेसल इज 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, अब आप बेस समझिए कैसा है, वो कितना दिया है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये सी है, ये सर्कमफ्रेंस दैट मींस आउटर डिस्टेंस, ठीक है, जो कि क्या होता है 2 पाई आर सर्कल का होता है, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या दिया है, 2 पाई आर, और इट इज 132 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, इसकी हाइट क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये कितना जो है पानी ये रखा हुआ है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कैन होल्ड, ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, आपसे ये कितने लीटर पानी है ये पूछ रहा है, मतलब कि जितना उसका वॉल्यूम होगा उस वेसल्स का, उस सिलेंडर का, उतना ही वो पानी रखेगा। तो पहले हम उसके वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितना वो पानी रखा होगा। तो पहली चीज भाई, वॉल्यूम के लिए हमको क्या जरूरत है, रेडियस जरूरत है और हाइट जरूरत है। हमें हाइट को मालूम है कि 25 है, और रेडियस जो है हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो नाउ रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस इक्वल्स टू जो है आर इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, ठीक है। ये 7 जो होगा 2 6 12 2 6 12, तो 66, और ये 7 अपॉन 22, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना रेडियस आपका आ गया, 21 सेंटीमीटर। अब जो है हम इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट बहुत इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहली चीज कि व्हाट वेसल सिलेंडर हैव ऑफ वाटर, सिलेंडर हैव वाटर कितना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर जो है वो सिलेंडर के वाटर जो है, सिलेंडर की जो है इक्वल
ऊपर जो है वाटर रख देगा, ठीक है। तो ये इसका कितना होता है भाई, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21, और इसका स्क्वायर हाइट क्या है दैट इज 25। तो नाउ इट इज अ 22/7, 21 × 21 × 25, तो 7 × 3 = 21, ठीक है। तो ये 22 × 6 = 3 × 6 × 25, और इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो इसका नाउ, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, लेकिन ये आंसर वॉल्यूम में जो आया है वो आपका कैसे आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यूनिट आपके क्वेश्चन में दिया भी है कि जो है 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ओके 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर 1/1000 लीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 34650 × 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो इसको ये कितना हो जाएगा दैट इज 34.650 लीटर, इतना जो है वो वेसल्स जो है उतना लीटर पानी को होल्ड रखेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स इन अ सेकेंड क्वेश्चन, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज अ 24 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियाई निकाल लेंगे तो 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर, ओके d/2 होता है, और आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, तो ये आउटर डायमीटर है तो ये यहां से क्या निकाल लेंगे आउटर रेडियस निकाल लेंगे जो कि 28/2 दैट इज 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या दिया है, द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, जो लेंथ है वो वही आपका हाइट का काम करेगा इस पाइप का, ठीक है। तो वो जो दिया हुआ है ये 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड फाइंड द मास ऑफ अ पाइप, आपको फाइंड करना है मास ऑफ द पाइप, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो कितना गिवन है 0.6 ग्राम दिया है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये एक टाइप का सिलेंडर है जिसको हम क्या कहते हैं हॉलो सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। हॉलो सिलेंडर दैट मीन्स कि वो बीच से खाली होता है, ठीक है, हॉलो पाइप जिसके थ्रू जो है पानी वगैरह या कुछ भी जो है जा सकता है। तो ये वुड का मटेरियल इतना थिक है, ये क्या है इतना जो है ये क्या है ये इतना थिक है, और इसका वॉल्यूम जो होगा वही उसके मास में कन्वर्ट होगा, समझ रहे हो ना। बीच का ये थोड़ी इतना बड़ा पाइप है और वो उतना ही वेटेड होगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। जितना उसके पाइप पर जो है जितना मटेरियल लगा हुआ जितना मोटा उस पर उसकी मास को डिपेंड होता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि अगर बहुत पतला थिन पाइप है तो हल्का होता है, मोटा पाइप है अगर उसके हैवी बना हुआ है और हॉलो भी है तो भारी होता है। तो ये डिपेंड करेगा इस मटेरियल ऑफ वुड पर जो कि वुड का है, तो ये कितना इसका वुड है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ अ पाइप, तो मास ऑफ पाइप या वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना, कि क्या फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करते हैं। पहले हम वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो वॉल्यूम ऑफ वुड जो होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं, ठीक, और उसको फिर माइनस कर देते हैं तो वो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा, और वही वॉल्यूम ऑफ वुड उसके मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम हम करते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ वुड निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है, आउटर सिलेंडर
माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर, ठीक है, इनर सिलेंडर, ओके, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या हुआ है, तो हमें जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वही रखेंगे, बस इसका रेडियस आर ओ है, हम आर को लिख देंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस आउटर का है तो आउटर का रेडियस ले लेंगे, और इसमें से पाई आर स्क्वायर एच इनर सिलेंडर का भी होगा, लेकिन रेडियस हमारा इनर का होगा, हाइट के दोनों का क्या होगा, चाहे वो आउटर के लिए निकालिए चाहे इनर के लिए निकालिए, दोनों का हाइट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये यहां से आप पाई आर जीरो स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, और ये इधर पाई और एच दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये पाई आर जीरो माइनस आर आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, आर जीरो प्लस आर आई इंटू एच, ठीक है। तो अब हम सबकी वैल्यू रख देंगे, तो ये बाई 7 आर जीरो क्या गिवन है भाई, आर जीरो दैट इज अ 14 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, 14 प्लस 12 और हाइट कितना दिया है 35, तो आपको मालूम 7 5 जा 35 हो जाएगा, 22 इनटू 2 और ये जो हो जाएगा 26 इनटू 5, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, 220 इंटू 26, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना क्या होगा, ए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो इसको जो है जरा कैलकुलेशन करके इसको कंप्लीट जब आप करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास क्या है, 0.6 ग्राम है, तो मास ऑफ अ मास ऑफ अ पाइप जो होगा वो क्या होगा भाई, ए 0.1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है वेट कितना था, 0.6 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5720, ठीक है, और कितना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी कैलकुलेशन आप कर लेंगे जो कि इसका 3432 ग्राम, और इसको केजी अगर कन्वर्ट करना चाहें तो ये 1000 से डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 3.432 केजी, ठीक है, जब ये 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतना केजी ग्राम हो जाएगा, ओके। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 इज गिवन दैट इट कॉस्ट 2200 टू पेंट ऑफ द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 10 मीटर डी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इनर सरफेस एरिया कितना है, 2200 है, कैसे वेसल से जिसकी हाइट क्या है 10 मीटर, ठीक है, एंड इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ पेंटिंग कितना है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल आपको फाइंड करना है, सेकेंड रेडियस फाइंड करना है, थर्ड कैपेसिटी ऑफ द वेसल फाइंड करना है, तो ये लेट रेडियस बी आर, इसको हम क्या कर देंगे, लेट द रेडियस बी आर और ए हाइट, ठीक है। पहले इनर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो रेट ऑफ पेंटिंग इज अ गिवन 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो आप देख रहे हैं कि पूरा इनर सरफेस एरिया का कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो रहा है, तो वो उसका 2200 रुपीज हो रहा है, और रेट ऑफ पेंटिंग कितना है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, अगर हम इसके रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
painting of inner or surface area, ठीक है, inner or surface area upon जो है rate of painting, ठीक है, rate of painting, तो इसको जो है 2200 से इसको डिवाइड करेंगे 20 से, तो ये 0 110, ये कितना हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर, ओके, ये कितना हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो अब इन इनर सरफेस एरिया, अब इनर कोर सरफेस एरिया को अब इसी में हम क्या करेंगे, ये तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया, रेडियस आपको फाइंड करना है। तो इनर कोर सरफेस एरिया होता क्या है भाई, तो इनर कोर सरफेस एरिया 2πRh होगा, ठीक है, तो 2πRh इक्वल्स टू 110 मीटर स्क्वायर, 222/7 R आपको फाइंड करना है, h दिया है 10, ठीक है, तो R इक्वल्स टू 110, ठीक है, तो ये R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ठीक है, और ये भी 10 इधर, 10 से ये कैंसिल हो गया, 11 पूछा, तो ये आपका कितना रेडियस निकल गया 7/4 मीटर, रेडियस कितना हो गया 7/4, इसको डेसिमल में निकालना चाहे तो निकाल लीजिएगा, जो कि 4 × 4 28 मीटर जाएगा, ठीक है, इसके बाद आपको कैपेसिटी ऑफ अमेज़न, ठीक है, थर्ड कैपेसिटी ऑफ अमेज़न, कैपेसिटी ऑफ वेसल, ऑफ द वेसल, ठीक, तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपका निकल गया है 7/4 इंटू 7/4, हाइट इज 10, ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो कि आपका कितना होगा 96.25 मीटर क्यूब होगा, और 1 मीटर क्यूब जो होता है 1 किलोलीटर के इक्वल होता है, तो इसी को आप ए 96.25 किलोलीटर, ठीक है, तो ये जो है कैपेसिटी ऑफ अ वेसल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7, गिवन अ 6 फार्मूला, यू सॉल्व अ सेल, क्वेश्चन 7, यू सी अ लीड ऑफ पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ ग्रेफाइट फिल्ड इन इंटीरियर, पेंसिल में अंदर जो है पेंसिल में क्या होता है ग्रेफाइट भरा होता है, ठीक है, तो द डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 mm दिया हुआ है, ध्यान देना है यूनिट्स का, डायमीटर ऑफ पेंसिल का 7 mm है, जो कि यहां से यहां तक का होगा, ठीक है, तो रेडियस निकालेंगे तो 7/2 mm हो जाएगा, एंड अब इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हाइट हमारा सेंटीमीटर है, कैलकुलेशन करने में एक टाइप की यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें हम 7/20 सेंटीमीटर पर 10 से और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं 10 एमएम होते हैं, तो इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 7/20 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट 14 सेंटीमीटर दिया है, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ये डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट जो दिया है वो 1 mm दिया है, तो रेडियस 1/2 mm हो गया, और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, तो इसके बाद जो है या तो हम भाई एमएम में ही इसको भी कन्वर्ट कर ले तो फिर कैलकुलेशन करें तब सही है, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो जैसे आपको इजी लगे वैसे यूज कर लेंगे, चलिए इसको हम एमएम में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको हटा देते हैं या रहने देते हैं, ठीक है, इसको 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो 140 mm, ओके, तो ये भी रहने दीजिए, कोई
तो इस तरह से अब आपको क्या करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो अब ध्यान देने की बात है, एक ग्रेफाइट वाले बीच में लकड़ी तो होता नहीं है, वुड तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल निकाल लेंगे और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड मिल जाएगा। तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल या पेंसिल हम बोल दे रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम भी पूछा हुआ है तो ये ग्रेफाइट का वॉल्यूम अलग आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा भाई, पाई ठीक है आर पी स्क्वायर इनटू एच, हाइट तो दोनों की सेम होगी ग्रेफाइट के लिए और इसकी भी, और पाई आर जी स्क्वायर एच, ग्रेफाइट के लिए हम ए आर जी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाई कॉमन लिया, आर पी स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर और इधर ए एच भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे फिर से हम पाई आर पी माइनस आर जी और एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये आर पी प्लस आर जी इंटू एच हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख देंगे 22/7 mm में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो RP की वैल्यू हम 7/2 यूज करेंगे, 7/2 माइनस 1/2 mm, ठीक है, 7/2 प्लस 1/2 और हाइट जो है 140 mm, ठीक है। तो ये आपका, तो ये 7 × 2 = 40 हो गया, ठीक है। इसको आप माइनस करेंगे तो ये 22 × 6/2 मतलब 3 और ये 8/2 मतलब 4 × 20, ठीक है। तो ये आपको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो कि आएगा ओके जो कि 5280 mm क्यूब है। इसको अब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिए भाई सेंटीमीटर में हम कैसे, 1 mm में क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 mm में 1/10 और जब इसमें यहां पर रखेंगे दैट इज अ 5280 1/10 mm और इसका होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। ये यूनिट चेंज करने में आप बहुत स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, ये 5280 अपॉन ये 1/10 का क्यूब 1000 हो जाएगा जो कि 5.28 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसके साथ साथ में आपसे ये भी पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के लिए आप एक अलग से सॉल्व कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इक्वल्स टू पाई आर जी स्क्वायर इनटू एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर जी जो है 1/2 था ना ग्रेफाइट ऑफ स्क्वायर एंड हाइट इज 140, ठीक है, 7 × 20 तो ये 22 × 1/2 × 1/2 × 20 तो ये 2 × 10 = 2 × 11 अब आपका कितना आ जाएगा 110 mm क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से जो है आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वही प्रोसेस करेंगे, मतलब 1000 से आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है ना, 1000 से क्या करना होगा डिवाइड कर देना होगा तो ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 0.11 सेंटीमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 फॉर होमवर्क, यू सॉल्व सेल्फ, इफ एनी डाउट देन यू आस्क माय व्हाट्सएप नंबर, ओके थैंक यू।